हेलो गैस कैसे हो हो सब बढ़िया है तो हमारा नेक्स्ट मैच है ईसारीज वर्सेस आरसीबी तो हम लोग इसमें थोड़ा चर्चा करेंगे तो ये इसका वेन्यू है चिपक स्टेडियम चेन्नई का जो ऑलरेडी दो मैच यहाँ पे खेल चुका खेल हो चुका है तो इसका एवरेज टोटल स्कोर अभी तक 153 है तो फास्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर अगर देखा जाए तो 164 है अभी तक ये ये तो नहीं बोल सकते ये बहुत हाई स्कोरिंग पीच है बट ये ठीक ठाक पीच है मतलब गुड कॉम्पिटिटिव क्रिकेट के लिए सही है बट स्पिनर्स को बहुत इजीली मर रहा है ये इस पीच पे क्योंकि इसका जो ऑफ साइड का या लेग साइड का बाउंड्री है वो स्क्वायर बाउंड्री बहुत छोटा है तो स्पिनर्स को सिक्स मारना बहुत ही ईजी है तो इसलिए स्पिनर्स को बहुत पिटाई हो रहा है अनलेस ही मतलब यहाँ पे एक स्पिनर है जैसे रशीद खान तो वो जैसे स्पिनर को मरना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा बॉलिंग करता है और थोड़ा पेस पे बॉलिंग करता है ज़्यादा स्लो बॉलिंग करेगा तो बहुत पिटाई होगा तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ये टॉप परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो लास्ट दो साल पे ये चिपक पे मनीष पांडे का एवरेज बहुत सही है और इसका स्ट्राइक रेट भी देखिए बहुत खास है हंड्रेड एंड एंड एवरेज देखिए तो इसको ये बहुत डिपेंडेबल है ये पिच पे एंड देन द स्पेशल एवी डी विलियर्स इसका एवरेज भी बहुत सही है लास्ट मैच पे आप लोग देखे कितना अच्छे से वो आर सी बी को जिताया अगेंस्ट मुंबई इंडियंस और इसका स्ट्राइक रेट देखिए बहुत ज़्यादा मतलब ये दो तो इस e पिच का किंग uh, है एंड ये हार्शल बैटे लास्ट दो साल पे कुछ एक दो मैच तो खेले हैं इस पिच पे तो इसका एवरेज भी बहुत सही रेट भी सही है एक्चुअली ये डेथ ओवर्स पे अगर बॉलिंग करते हैं तो ज़्यादातर टाइम ये रन गवा देता है बट फिर भी विकेट ले, ले लेता है ये विकेट टेकर है क्योंकि इसका स्लो बॉल बहुत अच्छा है एंड देन मोहम्मद नबी एक्चुअली मोहम्मद नबी का बॉलिंग सही है मतलब इकोनॉमिक रेट बहुत सही रहता है मैक्स ऑफ द टाइम बट ये नेक्स्ट मैच पे मोहम्मद नबी खेलेगा या जेसन होल्डर खेलेगा ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होगा तो दिखा तो देखते कौन खेलता है ये टॉस फैक्टर अगर देखा जाए तो ज़्यादातर कैप्टन जो जो लोग टॉस जीतते हैं वो हमेशा बॉलिंग प्रेफर करते हैं इस पीच पे और आईपीएल पे भी पीच का पीच का बात छोड़ दीजिए ओवरऑल आईपीएल का भी बात करें तो फिर अगर टॉस पर जीतता है मैक्सिमम कैप्टन बॉलिंग प्रेफर करते हैं बट आई डोंट नो स्टैट कुछ और ही बोल रहे हैं क्योंकि इस श्रीपक स्टेडियम पे सिक्सटी परसेंट मैच वो ही जीतता है जो लोग फास्ट बैटिंग करते हैं तो ये थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्टी है देन रिसेंट फॉर्म का अगर बात करें तो हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिए एस आर एच लास्ट पाँच में तीन मैच जीत जीत गए आर सी वी के अगेंस्ट और आर सी वी के अगर थोड़ा खराब है तो एस आर एच का फल्ला ज़्यादा भारी है इस मामले में और एस आर एच का लेटेस्ट रिकॉर्ड भी उतना खराब तो नहीं है क्योंकि लास्ट uh, पाँच मैच पे तीन मैच जीता है और दो ही मैच ये हारे के and, uh, के के अगेंस्ट या एंड दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट नार्थ का ले, लेटेस्ट रिकॉर्ड बहुत ही खराब है लास्ट पाँच मैच पे क्योंकि अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स केवल ये जीत पाए हैं बाकी सब मैच मतलब हैदराबाद दिल्ली कैपिटल्स अगेन हैदराबाद दे मुंबई के अगेंस्ट ये हार चुका है uh, अगर स्टैटिस्टिक्स का बात करें विनिंग परसेंटेज का तो एस का चांसेस मतलब एसर एच फोटी परसेंट फोर्टी फाइव परसेंट टाइम्स ये होता है जब फास्ट बैटिंग करते ईसर एच जीत जाते हैं बट ये सेकेंड बैटिंग जब करते हैं तो परसेंटेज थोड़ा कम हो जाता है ऐसा एच का तो बैटिंग फास्ट पर एसर एज़ ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है बट उल्टे तरफ आठ सी बी का अगर बात करें तो बैटिंग फास्ट पे ये फोर्टी परसेंट मैच जीतता हैं बट बैटिंग सेकेंड पे ये बहुत अच्छा चेस करते हैं क्योंकि इसका बहुत पावर हीटर्स है और इसका स्ट्रेंथ है बैटिंग तो इसलिए बैटिंग सेकेंड पे सिक्सटी थ्री परसेंट आर सी बी जीतता है क्योंकि मैक्सल है और विराट कोहली रान मशीन है टारगेट बहुत अच्छा चेस करते हैं सबको पता है तो अगर का अगर प्रोबल इलेवन दिखा जाए तो एसआर एच का ओपनर डेविड वार्नर दिमन देन मिडिल ऑर्डर पे पंडे जी बहुत अच्छा फॉर्म पे जॉनी बेस्टो अब्दुल समद अब्दुल समद बहुत अच्छा हिटर है लास्ट पिछले मैच में भी हम देखे कैसे वो क्यूमस को 145 से ऊपर बॉल कर रहा था उसको आ, सीधा सिक्स मारा मोहम्मद नावियन जैश होल्डर एक की डिसीजन होगा तो कैप्टन के लिए देन विजय शंकर रशीद खान भुवनेश्वर कुमार संदीप शर्मा नटराजन इसका बॉलिंग डिपार्टमेंट भी बहुत सही है और आठ की अगर बात करें तो मोस्ट प्रॉब्लम देवराथ पाटिकल मेन इलेवन पर आएगा नेक्स्ट मैच देन ओपन करेगा विराट कोहली के साथ देन वाशिंगटन सुंदर है ए वी डिविलियर्स मैक्सवेल डैन क्रिश्चन फॉर फॉरन प्लेयर्स एंड देन सावज आहमेद केल जेमिसन है हर्षल पैटेल भी बहुत अच्छा बॉलिंग किया एंड चाहल मोहम्मद सिराज ये दो तो बहुत ही अच्छा बॉलिंग करता है इंडिया टीम पे भी तो अगर आप देखा जाए तो दोनों ही टीम आ, सिमिलर टाइप का है इसका स्ट्रेंथ एक बट आर से भी का स्ट्रेंथ ऑफकोर्स बैटिंग है

आठ से बी का क्योंकि आर से बी बहुत अच्छा चेस करता है बट बट से बी अगर पहला बैटिंग करेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम है बट फिर भी मैं आठ से बी को ही आगे रखूंगा तो मेरा प्रेडिक्शन अगर मानना है तो आठ से बी जीतेगा नेक्स्ट मैच थैंक यू गाइस फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे थैंक यू